Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोरिव्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारे लोग ने मुझसे बहुत बार कहा कि भाई आप लैपटॉप्स के ऊपर भी वीडियो बनाइएगा, तो मैंने सोचा चलो कर देते। हालांकि मैंने प्रीवियसली कुछ बनाया था, लेकिन इस बार दोस्तों मैं आपको चार ऐसे कमाल के बजट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जो आपको इंडिया के अंदर 55,000 या उसके नीचे मिलते हैं। अब आप सोच रहे हैं यार 55,000 कोई बजट थोड़ी होता है, तो ये गेमिंग लैपटॉप्स है, आपको समझना है। प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप्स जो होते हैं वो 75,000 और उसके ऊपर 1-1.5 लाख ऊपर जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, उसमें आप प्रॉपर गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी बजट टाइट है, 50-55 हज़ार के आसपास है, कभी कभी ये सेल पर भी जाते हैं तो प्राइस और भी गिर जाती है। तो आपके लिए मैंने चार बड़ी मुश्किल से मिले, वैसे थे नहीं इतने अच्छे, लेकिन मैंने ये चार ढूंढा हूं जो मैं आपको यहां पर रेकमेंड करूंगा। सबसे पहला जो लैपटॉप है वो है HP Pavilion Gaming Ryzen 5 सीरीज। बेसिकली ये Flipkart पर अभी तक का बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है उस प्राइस पर, कभी कभी सेल पर ये और भी नीचे चला जाता है। 15.6 इंच की आपको उसमें फुल HD वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है। एंटी ग्लेयर का बहुत फायदा होता है, गेमिंग के टाइम रिफ्लेक्शन ज्यादा डिस्प्ले पर नहीं होते। साथ ही साथ आपको इसमें Ryzen 5 क्वाड कोर वाला जो वो CPU मिलता है 3550H, और जो GPU है वो NVIDIA का GeForce GTX 1650। ये आपको 4GB ग्राफिक्स मिलता है इसमें, और ये GDDR5 वाला, यानी कि जो गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स है 4GB की है, और मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है। तो पुराने से नए गेम्स आप लो टू मीडियम पर सेट कर इसमें अच्छे से खेल सकेंगे। साथ ही साथ 8GB रैम है जो एक्सपांडेबल है, और 1TB का हार्ड ड्राइव है, तो काफी सारा स्टोरेज मिलता है गेम्स वगैरह स्टोर करने के लिए। और विंडोज 10 जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। उसी के अलावा आपको डुअल स्पीकर्स वगैरह मिलता है, ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। वायरलेस की बात करें तो वाईफाई जो है वो 2x2 है, वाईफाई 5 सपोर्ट करता है, और ब्लूटूथ वर्जन 5 है। तो अगर आपको गेमिंग हेडफोन्स या कंट्रोलर वगैरह कनेक्ट करना है तो वो सब कुछ अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से 51,000 और 50,000 की रेंज में इससे बेटर गेमिंग लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है लेनोवो का IdeaPad L340। ये अमेजोन पर आपको 50,000 रुपए में मिलेगा। इसमें आपको सेम डिस्प्ले है पहले वाले जैसी, 15.6 इंच की फुल HD वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। लेकिन इस लैपटॉप की खासियत ये है कि थोड़ा सा इसका फॉर्म फैक्टर अच्छा है, थोड़ा स्लिम और लाइट वेट है, अगर HP Pavilion से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो वो चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। साथ ही साथ आपको इसमें i5 9th जनरेशन वाला जो वो CPU मिलता है, ये Intel है, और उसी के साथ साथ NVIDIA GTX GeForce 1650 आपको ग्राफिक्स मिलती है, लेकिन ये 3GB वाली है और GDDR5 वाली है, तो ये भी मेरे ख्याल से सफिशियंट है गेमिंग के लिए। 8GB की रैम है, ये भी एक्सपांडेबल है, और 1TB हार्ड ड्राइव आपको इसमें भी मिलता है, तो स्टोरेज काफी अच्छा है। वाईफाई इसमें भी आपको 5 है, 2x2 है, और साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5 है, डुअल स्पीकर है, और इसमें भी काफी सारे उन्होंने एप्स दिए हैं गेमिंग को कस्टमाइज करने के लिए, FPS को बूस्ट करने के लिए, तो वो सारी आपको यहां पर मिल जाती है 50,000 में। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है HP Pavilion के अलावा, आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ये वाला जो लैपटॉप है ये बहुत कमाल का है, MSI GF63। इसका एक ही डाउन पॉइंट है कि ये बड़ी कम स्टॉक में आता है और बड़ी ही जल्दी निकल जाता है, तो आप उसको ऑनलाइन गूगल में भी ट्राई कर सकते हैं या ऑफलाइन में भी देखो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD वाली एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, IPS डिस्प्ले, और साथ में इसमें आपको i5 9th जनरेशन CPU और GPU के लिए NVIDIA का GeForce GTX 1650 4GB ग्राफिक्स है और GDDR6 है, ये थोड़ा और ज्यादा बेटर होता है। 8GB की आपको उसमें रैम है, एक्सपांडेबल है, और साथ में आपको 512GB SSD है HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव से, ये थोड़ा और बेटर होता है लोडिंग टाइम गेम के अंदर मल्टीटास्किंग, तो 512GB का SSD है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ आपको उसमें डुअल स्पीकर्स वगैरह है, ऑडियो एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, नॉइसलेस वाला फीचर है, काम करते वक्त या गेम खेलते वक्त फैन का इतना ज्यादा आवाज नहीं आएगा, और वायरलेस की सपोर्ट भी इसमें आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। उनका डेडिकेटेड ऐप भी MSI का, तो उससे आप थोड़ी गेम में और भी FPS को बूस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही कंप्लीट पैकेज है दोस्तों, ये 55,000 का है, अगर आपको मिलता है तो इस प्राइस पर एक बहुत ही कमाल का गेमिंग लैपटॉप है। और फाइनल जो लैपटॉप आता है वो है Acer का Nitro 5 Ryzen सीरीज। इसमें दोस्तों आपको 15.6 इंच की फुल HD वाली एक IPS डिस्प्ले मिलती है, और दिखने में दोस्तों ये लैपटॉप अभी मैंने आपको जितने भी बताया ना उनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और साथ ही साथ आपको इसमें Ryzen 5 2500U वाला CPU मिलता है, और आपको Radeon का इसमें ग्राफिक्स मिलता है RX 560X, और ये 4GB वाला है और GDDR5 है, तो ग्राफिक्स भी आपको यहां पर अच्छी मिलती है, और इसमें आप अच्छे खासे गेम्स भी खेल सकते हैं। 8GB रैम है और ये एक्सपांडेबल है, और साथ ही साथ 1TB का आपको इसमें हार्ड ड्राइव मिलता है। इसमें उन्होंने कूल बूस्ट वाला फीचर भी दिया है, वायरलेस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, स्पीकर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो ओवरऑल ये भी एक
एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपको दूसरे लैपटॉप्स नहीं समझ रहे तो 55,000 में आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वो सारे लैपटॉप्स हैं जो मुझे लगता है कि 50,000 से 55,000 के बीच में आपके लिए सही रहेंगे गेमिंग के लिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, देखिए आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे जिनकी स्पेक्स इनसे थोड़े सिमिलर ही होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये 4 पिक किए और मुझे लगता है कि थोड़े ढंग के जो मैं आपको यहां पर रेकमेंड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जाओ, आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर से बताना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्पाइलिंग।